अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं नीतिकार सिखाते हैं हमें कि हमारे जीवन में हर दिन एक नई घटना घटती है कुछ घटनाएं रहती है पुरानी जिन्हें हम भूल जाते हैं और कुछ घटनाएं प्रतिदिन एक फ्रिक्वेंटली आपके सामने आती नई नई घटनाएं उन नई नई घटनाओं से कुछ सीखें उन घटनाओं को केवल घटना ना माने उन्हें अपने जीवन के परिवर्तन के लिए एक विशेष संकेत माने अगर आपने ये घटना पढ़ने का क्रम सीख लिया तो सच मानना आपके जीवन में वो घटना दोबारा नहीं घटेगी पैदा होने से मृत्यु तक सोने से जागने तक सुबह से शाम तक प्रतिदिन की क्रियाएं हर घटना हर क्रिया आपको एक शिक्षा देती है और वो घटना वो शिक्षा अगर आपने सही ढंग से सही नजरिए से ढूंढ ली पकड़ ली तो सच मानना कि आप एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे लेकिन सामान्यता व्यक्ति उन घटनाओं को उन संकेतों को समझता नहीं है उन घटनाओं को समझना एक बहुत बड़ी कला है ये अपना अपना व्यक्ति का विवेक है वहां तक जाने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए एक छोटी सी बात करता हूं जब संसार में कोई व्यक्ति आता है जन्म लिया खेला कूदा पढ़ाई करी व्यापार किया शादी की बच्चों की शादी की बूढ़ा हो गया मर गया ये कहानी हर किसी की सेम है ये जो कहानी है हर किसी की सेम है किसी ने झोपड़ी में जन्म लिया किसी ने महल में जन्म लिया जन्म दोनों ने लिया है किसी की शादी अच्छी जगह हुई किसी की नहीं हुई किसी के बच्चों की शादी वो धूमधाम से करता है कोई नहीं कर पाता घटना गरीब अमीर दोनों के साथ घटती है सीखता वही है जो बुद्धि लगाता है कहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति से एक बार चोट मिल गई हो धोखा मिल गया हो तो उस पर धिक्कार है और उसी व्यक्ति से दोबारा धोखा मिला हो तो तुम पे धिक्कार है क्योंकि तुमको व्यक्ति की घटना की पहचान ही नहीं है पहचान ही नहीं है पहचानो हर घटना से सीखो हर घटनाओं से सीख गए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हो आज की नीति कह रही है कि घटना छोटी हो या बड़ी आपके जीवन में उसका बड़ा गहरा असर जरूर पड़ता है आप पहचान पाओ ना पाओ दूर की बात है ठंडी के मौसम में कोई रास्ते में चल रहा है सड़क पर चल रहा है घर पे चल रहा है उसको ठोकर लग गई कहीं हाथ में पैर में उस समय कोई फील नहीं होता ज्यादा फील नहीं होता घर जाके देखते हैं तो मानो चलता अरे भाई तो नीला हो गया है वहां ब्लड जम गया है उस समय नहीं मालूम चलता अगर उस समय उस घटना को संभाल के मल लेता तो नीला नहीं पड़ता ऐसे ही आपके जीवन में भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं आपने किसी को दोस्त बनाया दोस्त बनाने के बाद वो थोड़े दिन बाद बदल गया क्या आपके साथ ऐसा हमेशा होता है कि दोस्त बनाता हूँ बदल जाता है अगर होता है तो संभल के दोस्त बनाए व्यापार करते हैं अगर आप और पैसा दो अगर किसी को और थोड़े दिन बाद आपका पैसा खा लेता है तो मत दो तो उधार उसको अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के बीच में आप रहते हो और आपका यूज़ किया जाता है तो अपने आप को यूज़ होने मत दो किताबें पढ़ते हो आप टी सिनेमा देखते हो एक बार खुद की किताब भी तो पढ़ो एक बहुत गहरा अनुभव कह रहा हूँ मैं आपसे जो फिल्म शॉर्ट मूवीज़ हो या लॉन्ग मूवीज़ हो जो स्टोरीज आप देखते हो स्टोरी की बुक्स पढ़ते हो एक बार बैठ करके के अपनी लाइफ को पढ़ना सीखो क्योंकि वो जो फिल्म में स्टोरी दिखाई जाती है ना वो दो तीन साल के आसपास के स्टोरी को बीस एक घंटे में दिखाते हैं लेकिन जो आपकी लाइफ है उसमें हर दिन ये फेस आता है आप अपने हर दिन की स्टडी क्यों नहीं करते हो कि मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है जब भी लंबे रूट में जाता हूँ तो गाड़ी पंचर होती है एक एग्जाम्पल देता हूँ जब भी मैं व्यापार करता हूँ तो एक साल दो साल तेज़ी रहती है फिर डब्बा हो जाता है तो वो घटना से सीखो ना बार बार उसको रिपीट करने से क्या होगा जैसे कोई बोले कि मैं भोजन करता हूँ पचता नहीं है तो आप उस सीखो ना कि क्यों नहीं पचता है वो प्रॉब्लम घटना जो हुई है उसे एक्सट्रैक्ट क्या लिया आपने रावण ने सीता का हरण किया राम ने सीता को वापस लाए और रावण की मृत्यु हुई ये घटना थी इससे किसने क्या सीखा अगर राम होते समझदार और तो क्या सीखते कि भाई संभाल के रखो जमाना खराब है रावण क्या सीख लेता रावण क्या सीख लेता कि भाई जो तुम्हारा है उसमें संतुष्ट रहो बाहर का आदमी आएगा मिटा के चला जाएगा और सीता क्या सोचती सीता उस घटना से क्या शिक्षा लेती कहाँ फंस गए संसार में अयोध्या वापस आने की जगह अगर सीता जी उसी समय दीक्षा ले लेती तो अग्नि परीक्षा भी देना नहीं पड़ती जंगल में भी जाना नहीं पड़ता लेकिन घटना से जिस जिसने सीख लिया वो सब सुखी थे उस घटना से राम ने सीखा जब सी, सीखा जब सीता को जंगल भेजा कि अगर एक नहीं भी तो कोई बात नहीं और भी है जिसने सीख लिया उसका जीवन सुखमय हो गया और जिसने नहीं सीखा उसका जीवन दुखमय ही रह गया हर घटना से सीखे हर दिन सीखने का है लेकिन आप लोग सीखने की जगह रोते रहते हो कई लोगों की आदत होती रोने की कुछ हुआ नहीं कि रोने लगे रोना मतलब हम क्या बताएं बड़ी समस्या है क्या समस्या है हमारे घर में पानी छूता है तो भाई छत ठीक कराओ ना दिमाग ठीक करो ना अपना रो दुनिया को बताने से क्या होगा दुनिया को बताने से क्या छत का पानी बंद हो जाएगा कई लोगों की आदत रहती है वो बाहर दुनिया में रोते रहते बताते रहते अरे अब क्या बताएं यार ये समस्या है अरे दुनिया के लोगों को बताओ कि वो हंसी करेंगे समाधान थोड़ा ना देंगे समाधान चाहिए तो सीखो समाधान चाहिए तो सीखो क्यों पानी गिर रहा है क्योंकि तुमने पर्याप्त तराई नहीं करी सस्ता मटेरियल यूज किया था अब ठीक कर लो हर घटना से सीखें, छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो हर घटना से सीखें जब व्यक्ति छोटी घटनाओं से सीखता है तब कहीं जाकर के वो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच पाता है मेरा ये मानना है कि समझदार व्यक्ति को बार बार नहीं समझाना पड़ता और ना समझ को कितनी बार भी समझाया जाए वो समझदार नहीं बन सकता हर घटना से सीखें इसलिए प्रयास आपके जीवन का यही रहे कि आपके जीवन की छोटी हो या बड़ी घटनाएं वो घटनाएं दोबारा ना हो वो घटनाएं दोबारा ना हो क्योंकि अगर आपने उसे शिक्षा ली तो वो घटना दोबारा नहीं होगी एक बच्चा एग्ज़ाम पे गया पर्चा लेके गया वो खर्रा अब वो लेके तो चला गया एग्ज़ाम देने बैठा मैडम ने देख लिया अब उसके आगे वाले के पास चार थे उसके पास तो एक ही था मैडम ने पेपर ले लिया उसका अब वो कहता है कि मैडम गलती हो गई मैडम गलती हो गई बोले इतनी पूरी क्लास हो तुम ही अकेले लिए हो उसको आगे गुस्सा खड़ा हुआ उसने सबके पेपर चढ़ा दिए दस बारह लोगों के इसके पास चार है उसके पास तीन है ठीक है वो एग्जाम तो उनका बेचारों का कैंसिल हो गया लेकिन उसने क्या घटना ली शिक्षा ली बाकी लोगों ने क्या ली किसी का भरोसा मत करना अपने भी पहले अपना देखते कि अपन फैल हुए हैं तो दूसरा पास नहीं हो सकता समझें हर घटना एक बहुत अच्छी शिक्षा देती है अच्छी घटना अच्छी शिक्षा देती है और बुरी घटना अच्छा हो हमेशा उसकी शिक्षा देती है बुरा ना हो इसकी शिक्षा देती है मेरे हिसाब से आप लोगों में से हर किसी के जीवन में प्रॉफिट और लॉस ये दोनों मिले होंगे हर कंडीशन में मिले होंगे सीख लो शिक्षा लो किसी ने अगर शेयर्स खरीदे कोई कमोडिटी खरीदी तो एक लाख रुपए की ली रेट डाउन हो गया चलो एवरेज कर लेते हैं और ले लिया चलो एवरेज कर लेते हैं और ले लिया उतने में ख़त्म उतने में खत्म क्योंकि खेलने वाला तो वैसे ही खिला रहा है ना उस घटना से शिक्षा लो मेहनत करके पैसा कमाओ शॉर्टकट पे मत जाओ हर घटना से सीखो और एक बात विशेष है जिसने घटनाओं से सीख लिया है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बन जाता है और उसको घटना से सीखने के लिए आपको शांत बैठ के सीखना पड़ेगा कि कैसे उस घटना से मैं सीख पाऊँ गर्मी के मौसम में राजस्थान में बिहार करोगे तो गर्मी की भी गर्मी लगेगी और गर्मी के मौसम में कर्नाटक में बिहार करोगे तो गर्मी में भी सर्दी लगेगी कि मैंने पैदल चल के अनुभव कर लिया आपने क्या अनुभव किया आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है कि हाँ ये घटना जो मेरे साथ घटी कैसी हुई है? जिन जिन की शादी हो गई है उनसे पूछता हूं कि घटना जो घटी है दोबारा घटना चाहिए क्या लेकिन ये घटना गट, आपकी घटना से भी दूसरा सीख सकता है लेकिन वो सीखेगा नहीं दूसरे को भी करना है हर घटना से सीख लें। रावण ने भी कभी नहीं सोचा था कि सीता हरण की छोटी सी घटना उसके मृत्यु का कारण बनेगी उसका इतिहास बदल देगी समझदार व्यक्ति सीखता है ना समझ व्यक्ति रोता है कि अब क्या करें अब क्या करें अरे अब क्या करें अब झेलो शिक्षा लेने का वक्त 24 घंटे 12 महीने जन्म से मृत्यु तक है देखो अच्छा जब छोटे से बच्चे को देखना हो पहली बार दीपक देखता है या बोर्ड का वो प्लग वाला पॉइंट देखता है तो उसमें उंगली डालने की कोशिश करता है सही है वो दीपक को छूने के प्रयास करता है और जल जाए एक बार दीपक दूर इस तरफ हो तो तरफ जाता है उस छोटे से बच्चे के माइंड ने उसको उस उस घटना घटना से से सीख सीख दे दी आपको उस से क्या सीख मिली जीवन की हर परिस्थिति को सिखाती है लेकिन जिसकी भवितव्यता होती है, वही सीख पाता है बाकी तो कुछ नहीं सीख पाते रोते रोते जीवन निकाल देते सीखे आपके किसी सगे ने आपके साथ गलत कर दिया हो किसी पराए ने गलत कर दिया हो उस व्यक्ति से सीखे मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि हर व्यक्ति का चेहरा एक जानवर से मिलता है बहुत सारे प्रकार के जानवर हैं हर व्यक्ति का चेहरा एक जानवर से मिलता है और उस जानवर में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं वो दोनों आपको उस व्यक्ति में देखने मिल सकती हैं ध्यान से सुनना वो जो चेहरा है शेर के जैसे चेहरा है तो शेर की तरह उसके हाव भाव रहेंगे शेर की तरह उसकी क्रियाएं रहेंगी छोटे को दबाएगा छोटे को दबाएगा भालू की तरह है तो वो आलसी रहेगा हर किसी का अपना अपना चेहरा होता है एक छोटी सी बात बोली मैंने आपको आप इसी इसी चीज़ से भी सीख ले सकते हैं कि जिसका जैसा फेस होता है जिस जानवर से मिल रहा हो को रिलेट करो और फिर जो क्वालिटी और जो उसमें कमियां हैं वो उस व्यक्ति में मिलेंगी ऐसे और भी पैमाने हैं घटनाओं से व्यक्ति से सीखने के लेकिन अगर घटना हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं घटना दोहरा दी गई है तो बहुत बड़ी बात है। आपने कोई शॉर्टकट लिया उसमें लॉस लग गया तब तो दोबारा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो एक घटना बताता हूँ एक व्यक्ति ने जुआ खेल लिया सट्टा और उसको केवल चालीस हजार रुपये का लॉस हुआ था दो साल पुरानी घटना बताता हूँ चालीस साल पुराना चालीस हजार रुपये का लॉस लगा दो साल पुरानी घटना है दो साल पहले भी चालीस हजार की इतनी कोई बड़ी कीमत नहीं थी लेकिन उसने पिताजी को नहीं बताऊँ यह सोच करके उसने ब्याज में पैसा लिया बीस परसेंट के इंटरेस्ट पर अब आप हिसाब किताब लगाना चार महीने बाद क्या हुआ वो चार महीने बाद उसको चुकाने के लिए उसने सोचा कि यार थोड़ा बड़ा ले, ले लेते हैं एक बार और खेल लेते हैं कवर हो जाएगा करते, करते 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 दो साल बाद वो कर्जा चालीस हज़ार का दस लाख हो गया इसकी उस घटना से आप भी तो सीख सकते हो अगर कोई गलती हो भी गई है तो स्टार्टिंग में ही उसको डिस्क्लोज कर दो फैमिली के सामने ताकि वो बढ़ ना जाए आप उस चीज को अंदर रखे रहते हो और घटना छोटी से बहुत बड़ी हो जाती है कोई बात नहीं एक और उपाय है अपने जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उससे सीखो नहीं तो दूसरे के जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे सीख लो उनसे सीख लो जैसे कोई मेरे पास आता है कि बिजनेस नहीं चल रहा कोई कह रहा शादी नहीं हो रही कोई कहता है कि पत्नी परेशान कर रही कोई कह रहा है फैमिली में थोड़ा शांति नहीं अशांति है, है कोई कहता है स्थिरता नहीं है मैं पढ़ाई करता हूँ नंबर नहीं आ रहे तो उसके जाने के बाद मैं खुश हो जाता हूँ क्यों फिर मैं अपनी पीठ ठोकता हूँ कि तेरा निर्णय सही था सभी दुखी हैं, साधु बनो तभी सुखी हो मैंने उस घटना से सीख लिया इससे मेरा वैराग्य दृढ़ हो गया इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ तुमने सही रास्ता चुना है दूसरी घटना भी तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत स्वर्णिम पल दे सकती है चाहो तो सीख लो चाहे तो रोते रहो कुछ लोग होते हैं उनको सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको सिखाना नहीं पड़ता वो सीखे जाते हैं उनके पास स्वयं की प्रज्ञा होती है घटनाएं जो होती है आपकी बुद्धि को आपकी प्रज्ञा को आपकी मेधा को विस्तारित करती है तो क्यों ना अपन घटनाओं से सीखें अपने जीवन की भी और दूसरे के जीवन की भी किसी के जीवन में दुख आया संकलिष्टता आई तो तुम खुश हो मत हो जाना कर्म कब जोर मारेगा पता नहीं आज पड़ोसी घर में आग लगी है तुम मुस्कुरा रहे हो हवाएं किसी की नहीं होती चिराग हर किसी के बुझते हैं अगर वह हवा तेरे घर की ओर मुड़ गई तो तेरा घर भी चला जाएगा दूसरों के जीवन में घटनाएं घट रही उसे सीख लो उसकी मदद करो वहाँ हंसी मत उड़ाना क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कब किसको क्या दौर दिखाएगा महलों में रहने वाला रावण जमीन में पड़ा था और जंगल में घूमने वाले राम महलों में बैठे थे घटनाएं कुछ भी कर सकती हैं तैयारी रखें अपनी हम घटनाओं से सीखें जितना अधिक हम घटनाओं से सीखते हैं उतना ज़्यादा हम समझदार बनते हैं शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की